नमस्कार, मैं यशस्विनी, आप देख रहे हैं रेल एक्सप्रेस। यूक्रेन में युद्ध के लिए हथियारों की आपूर्ति बनाए रखने में संघर्ष कर रहा रूस अब ड्रोन विमानों और सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के लिए आपूर्ति के लिए एक बार फिर ईरान का रुख कर सकता है। घटनाक्रम से वाकिफ दो अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि रूस आने वाले दिनों में ईरान से उन्नत पारंपरिक हथियार हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका विशेष रूप से चिंतित है कि रूसी सेना ईरान से सतह पर मार करने वाले मिसाइलें खरीद सकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने कहा कि ईरान के सुरक्षा परिषद के वर्ष 2015 के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए रूस को सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन विमान बेचने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव ने तेहरान और 6 प्रमुख विश्व शक्तियों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुए समझौते का समर्थन किया था। राजनयिक के मुताबिक 2015 के समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में रूस भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रूस द्वारा समझौते को उल्लंघन से कहीं ज़्यादा अहम यह सवाल है कि ईरान से ड्रोन और मिसाइल के बदले मास्को से क्या देगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 10 महीने होने वाले हैं। इस 10 महीनों के दौरान रूस ने कई बार यूक्रेन को दहलाया है, जबकि यूक्रेन ने भी कई बार रूस पर सख्त हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के मुताबिक बुधवार को बताया गया है कि रूसी आक्रमण के शुरुआती दिनों में रूस की सेना ने लगभग 441 यूक्रेन नागरिक मार गिराए थे। रूसी हमले की कवि चेरनी हीव और सुमी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित थे। 441 नागरिकों में 341 पुरुष, 72 महिलाएं, 20 लड़के और 8 लड़कियां शामिल हैं। वहीं इस जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को बुधवार को 2022 के लिए टाइम्स ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। टुडे शो ने कहा कि यूक्रेन और विदेश में कई लोग जेलेंस्की को नायक कहते हैं और उन्हें देश पर रूस के बिना उकसावे वाले हमले के दौरान खुद को लोकतंत्र और दृढ़ता के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है। टुडे शो ने ट्वीट किया, व्लोदिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना 2022 के लिए टाइम्स की पर्सन ऑफ द ईयर हैं।